नमस्कार दोस्तों, एनके नौकरी क्रेकर में आपका स्वागत। दोस्तों ये वीडियो ऑडियो के तौर पे मैं बनाया हूँ। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे इतिहास की प्रमुख और महत्वपूर्ण घटनाएं के बारे में बात करने वाला हूँ दोस्तों, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों और आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, आने वाले एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है दोस्तों। तो इसे आप ऑडियो के तौर पर सुन लीजिए दोस्तों। सत संवत का आरंभ 78 ईस्वी में हुआ था, 78 ईस्वी में सत संवत का आरंभ हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं अशोक द्वारा कलिंग पर विजय 261 ईसा पूर्व हुआ था। यहाँ पे आप अच्छे से सुन सकते हैं, अशोक द्वारा कलिंग पर विजय 261 ईसा पूर्व हुआ था। यहाँ पे महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था। मैं दो बार इसलिए बोल रहा ताकि आपको अच्छे से सुनाई दे, यहाँ पे अच्छे सुन सकते हैं। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। अब दो बार में आपको अच्छे से याद हो जाएगा, दो बार सुनने से। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिजरी संवत का आरंभ 622 ईसा पूर्व हुआ था, 622 ईसा पूर्व हिजरी संवत का आरंभ हुआ था। यहाँ पे नेक्स्ट में देख सकते हैं गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईसा पूर्व हुआ था, 1206 ईसा पूर्व गुलाम वंश की स्थापना हुआ था। यहाँ पे आगे सुन सकते हैं भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व हुआ था, 1500 ईसा पूर्व भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। अब पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। इसे बिल्कुल भी याद कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था और प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। इसमें अंग्रेजों ने क्लाइव के नेतृत्व में सिराजुद्दौला को हराया था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों इस प्रकार की ऑडियो से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।